राजनीतिक दुकानदारी और देश विरोधी एजेंडे के बीच की रेखा बहुत पतली होती है और कई बार हमारे देश के नेता इस फर्क को मिटा देते हैं और इसी वजह से देश विरोधी लोगों की ताकत बढ़ जाती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो भारत विरोधी ताकतों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद फैलाने वालों को मासूम बच्चों की श्रेणी में डाल दिया है। उनका मानना है कि आतंक के रास्ते पर चलने वाले लोग MLA या MP बनने के लिए नहीं बल्कि कश्मीर घाटी में अपना हक हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर इस देश के जनप्रतिनिधि अलगाववादियों की भाषा बोलने लगेंगे और आतंकवादियों को मासूम बताने लगेंगे तो फिर जम्मू कश्मीर और देश की भलाई के बारे में कौन सोचेगा। DNA में हमने देश के ऐसे कई डिजाइनर नेताओं की पोल पहले खोली है जो भारत में रहकर पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इस लिस्ट में फारूक अब्दुल्ला का नाम भी शामिल हो गया है। पहले आप फारूक अब्दुल्ला का ये बयान सुनिए और फिर हम उनकी बातों का विस्तार से आज विश्लेषण करेंगे। महंगे महंगे विदेशी ब्रांड्स के कपड़े पहनकर बड़े बड़े बंगलों में रहकर ऐसे बयान देना कितना आसान है। फारूक अब्दुल्ला एक तरफ भारत जैसे आजाद देश में पूरी शान और शौकत के साथ रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आतंकवादियों का समर्थन करते हुए ये कहते हैं कि आतंक फैलाने वाले युवा अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और ऐसे युवाओं को भारत जैसे आजाद देश में रहते हुए भी उसे बर्बाद करने की पूरी आजादी चाहिए। सवाल यह है कि ऐसे देश विरोधी लोगों को यह आजादी कैसे दी जा सकती है। दुख की बात यह है कि ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो पत्थरबाजों, अलगाववादियों और आतंकवादियों के पक्ष में मीठी मीठी बातें कहते हैं, लेकिन उन्हें शहीदों की याद कभी नहीं आती। फारूक अब्दुल्ला ने अनंतनाग में शहीद हुए लांसनायक गुलाम मोहिउद्दीन राठेर के सम्मान में कुछ नहीं कहा। कल जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के जवानों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे और उन्हीं में से एक थे लांसनायक गुलाम मोहिउद्दीन राठेर जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले थे। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के पास इतना वक्त नहीं था, इतना समय नहीं था कि वो अपने ही राज्य के गुलाम मोहिउद्दीन के सम्मान में 2 अच्छी बातें कह सके। शायद इसीलिए क्योंकि कश्मीर घाटी में अलगाववादियों का समर्थन करने वाले फारूक अब्दुल्ला उस भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं जो भारत की बर्बादी के नारे लगाती है और हम सब चुपचाप बैठकर इस नारेबाजी को होते हुए देख रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर यहां दिल्ली में हो। वैसे फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता भारत के नागरिक होते हुए भी पाकिस्तान के हित की बात करते हैं और खुद को बुद्धिजीवी समझते हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि उन्हें पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी तो पसंद आते हैं, लेकिन अपनी मिट्टी में पैदा हुए देश के असली बेटे उन्हें दिखाई नहीं देते। आज फारूक अब्दुल्ला के ऐसे दूषित विचारों पर चोट करना बहुत जरूरी है। अनंतनाग का बेटा लांस नायक गुलाम मोहिउद्दीन राठेर देश के लिए शहीद हो गया।
हमारा भाई जैसा है सर। बहुत दुख हुआ है कि जब हमने सुबह 7-8 बजे सुना है कि बहुत दुख हुआ सर, कि क्योंकि दुख इसलिए हुआ कि इस घर में कोई था नहीं, बाप था माँ था, वो किसी के काबिल है नहीं सर, और बीवी थी इसकी, 2 साल का बच्चा था। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने शहीद लांसनायक गुलाम मोहिउद्दीन राठेर की बात नहीं की। उन्होंने उन आतंकवादियों के समर्थन में बयान दिया जिनकी गोलियों से जम्मू कश्मीर राज्य का एक बेटा वीरगति को प्राप्त हुआ। तुम चाहे एमएलए बनो या एमपी बनो या मिनिस्टर बनो, तुम की कर्बनी जुबान असली बनो हक। सवाल यह है कि ऐसी सोच रखने वाले नेता साबित क्या करना चाहते हैं और आखिर कब तक देश ऐसी सोच को बर्दाश्त करता रहेगा। सच तो यह है कि जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन खो चुके फारूक अब्दुल्ला नए जमीन की तलाश में उन अलगाववादियों और आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं जिनका ईमान पाकिस्तान है और धर्म आतंकवाद है। हालांकि जब जी न्यूज ने फारूक अब्दुल्ला से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उनका जवाब सुनकर हम सन्न रह गए, लेकिन जब हमने कड़वा सवाल पूछा तब तक अब्दुल्ला साहब का फोन कट चुका था। डॉक्टर अब्दुल्ला, आपने एक बयान दिया, आपने कहा आज अगर हमारे बच्चे कुर्बानी देते हैं वो एमएलए एमपी या मिनिस्टर बनने के लिए कुर्बानी नहीं दे रहे, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जान सबको प्यारी है लेकिन इनको अल्लाह पे यकीन है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है, वो उसकी राह में चले हैं। ये नई पीढ़ी बंदूक से नहीं डरती, मौत का डर नहीं है, वो इस मुल्क की आजादी के लिए मैदान में है। सर किस मुल्क की आजादी के लिए? सर हिंदुस्तान तो आजाद है सर, 1947 से आजाद है। देखिए आप ये जानते हैं इन लोगों से बात करनी पड़ेगी तभी कोई मामला हल होगा, गोली से मामला हल नहीं होगा। डॉक्टर अब्दुल्ला मैं आपकी बात से सहमत हो जाता हूँ, गोलियां वो चलाए वो नहीं होगा, आपकी बात से मैं सहमत हो जाता हूँ सर, लेकिन आप अगर लड़कों को ये कह के भड़काएंगे कि तुम अल्लाह की राह पर जा रहे हो, तुम्हें मौत का डर नहीं है, बंदूक से तुम नहीं डरते, तो उनको क्या जरूरत है किसी से बात करने की? सर उनकी तो हौसला अफजाई हो रही है, आप जैसा आदमी कर रहा है। बातचीत तो उस वक्त भी उनने की जब वो गोली चला रहे थे, उनने उस वक्त वो किया। अडवाणी जी जिंदा है, पूछ लीजिए उनसे सर, मेरा निकालने के लिए। सर मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है सर, आप लड़कों को भड़का रहे हैं, आपको नहीं लगता क्या? मैं भड़काता नहीं हूँ भैया, ना मैंने कभी भड़काया है। सर आपकी बातें भड़का रही हैं, खुद खिलाफ हूँ आतंकवाद के। सर आप खुद कह रहे हैं जान सबको प्यारी है लेकिन इन युवाओं को अल्लाह पे यकीन है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है, वो उसकी राह में चले। कोई तरक्की नहीं है सर, आपने रिलीजन तक का रंग दे दिया सर उसको, या कुछ भी नहीं हो रहा है। सर आप क्या कर रहे थे 30 साल सरकार चला रहे थे जब? क्या सर 30 साल आपकी फैमिली ने सरकार चलाई है, आज आप कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, लड़कों को नौकरी नहीं है, तरक्की नहीं है, आतंकवाद को अगर बंद करना है तो बातचीत का रास्ता इस्तेमाल करना है। सर किससे बात करेंगे? इस्तेमाल नहीं करोगे तो चलता रहेगा। किससे बात करें सर? आपसे जो ये कहते हैं लड़कों को कि बंदूक लेके उतरो और अपने बच्चे को सीएम बनवाते हैं सर, इन लड़कों को क्यों नहीं कहते कि पॉलिटिकल सिस्टम में आओ अगर बदलना चाहते हो सब कुछ? बर्बाद कर देंगे जम्मू कश्मीर को। डॉक्टर अब्दुल्ला आप है लाइन पे या काट दिया फोन आपने? शायद फोन काट दिया उन्होंने। फारूक अब्दुल्ला ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है क्या वो सीधे सीधे कश्मीर के युवाओं को गुमराह करने वाले नहीं हैं? और ऐसी बातें कहकर आखिरकार वो साबित क्या करना चाहते हैं? फारूक साहब का बयान सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए होता है, जब वो पावर में होते हैं तब इनको ऐसे एंटी नेशनल बयान याद नहीं आते, लेकिन अब वो पावर से बाहर हैं तो इसलिए उनको एंटी नेशनल बयान याद आ रहे हैं, कि वो प्रवोक सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए करना चाहते हैं। उन्होंने आज तक अपना पॉलिटिकल बेनिफिट ही दिया है। 1990 में जब मिलिटेंसी शुरू हुई तो फारूक साहब खुद तो लंदन चले गए और यहाँ पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, तो इसलिए इसी से पता लग जाता है कि कितने सीजन पॉलिटिशियन है वो। वो तो समय के साथ साथ उनके बयानात बदलते रहते हैं, मैंने देखा है कि हर समय जैसा समय होता उसके मुताबिक वो बयान देते हैं,
जैसा मौसम हो मुताबिक उसके दीवाना हूँ मैं, मार्च में बुलबुल हूँ मैं, जुलाई में परवाना हूँ मैं। ये उनका हमेशा से बयानात का सिलसिला रहा। कांग्रेस पार्टी सबसे प्रथम हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, शेख अब्दुल्ला जी, फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी, ये सारा लोगों ने तो मिलकर के कश्मीर को बर्बाद किया है, इतना स्वर्ग को बर्बाद कर दिया। अब ये जो है आज के दिन में जो कह रहे हैं उसको तो देश वाले सब देख रहे हैं, कश्मीर के लोग भी देख रहे हैं कि इन लोगों ने तो इस हालत को यहां तक पहुंचाया। फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में सेना प्रमुख की बातों को भी काटने की कोशिश की। आपको याद होगा कि जनरल बिपिन रावत ने कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि आतंकवादियों का समर्थन करने वालों को आतंकवादी समझा जाएगा। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हमारे जारी रहेंगे। जो मैंने अभी आपको पहले वक्तव्य में बताया, मैंने यही बताया कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे कुछ नौजवान हैं जो सही रास्ते से भटक गए हैं, हम उनको वापस अमन के रास्ते पे लाने की कोशिश करें। लेकिन अगर वो हमें मजबूर करते हैं तो हमारे ऑपरेशन जारी रहेंगे, और इसके लिए अगर हमें कुछ सख्त मेजर इख्तियार करने पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। गोली का जवाब गोली से नहीं हो सकता यार, मोहब्बत। गोली का जवाब जो है वो इस्तेकाम से, प्यार से ही हो सकता है, बातचीत से ही हो सकता है। ये जो ये बात करते हैं कि गोली का जवाब गोली से होगा, उससे और ये भड़केगा और मुसीबत आएगी, उससे हमें दरेक करना चाहिए। लेकिन अब्दुल्ला साहब शायद ये भूल गए कि सेना कल भी संयम बरत रही थी और आज भी संयम ही बरत रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सेना प्रमुख के उस बयान के कुछ दिन बाद ही कुलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना पर पथराव किया गया, लेकिन सेना ने उफ तक नहीं की। कश्मीर घाटी में अपनी जमीन तलाशने के चक्कर में फारूक अब्दुल्ला उन लोगों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को तहस नहस करना है। वैसे विवादों में रहना फारूक अब्दुल्ला का पुराना शौक है, लेकिन विवाद के नाम पर सारी सीमाओं को लांग जाना ये कहां की नैतिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री का ऐसा बयान सुनकर अलगाववादियों और आतंकवादियों का खून बढ़ गया होगा और उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। जाहिर है कि आतंकवादी ऐसी ही सोच वाले नेताओं को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि ये नेता आतंकवादियों को अनलिमिटेड आजादी देने की वकालत करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार ने एक या दो नहीं बल्कि पूरे 29 वर्षों तक शासन चलाया है। शेख अब्दुल्ला 12 वर्षों तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे थे। शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला 11 साल तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, जबकि फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला 6 वर्षों तक मुख्यमंत्री बने रहे। अब फारूक अब्दुल्ला जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उससे उन्होंने जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों और आतंकवादियों के वोट पक्के कर लिए हैं। असलियत यह है कि अलगाववादियों को ऐसे ही मुख्यमंत्री पसंद है।